हेलो एवरी वन वेकम बैक टू द ट्वेंटी फोर सेवन नेम इज़ गौरव सिंह भदौरिया एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सीरीज जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट पजल उसी कंटिन्यूशन में दिस इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट सेट तो यहाँ पर भी हम तीन से चार इंपॉर्टेंट सेट डिस्कस करेंगे सो so फटाफट फड़ से क्विकली ज्वाइन इन एंड डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन वेर एवर पॉसिबल मूविंग फॉरवर्ड विद सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्काउंट जो, right? जो, जो की सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट फाइनल पेबल प्राइस क्या हो जाएगी आपकी थर्टी टू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज राइट मूविंग फॉरवर्ड अगर आप साइमल्टेनियसली इफ यूर प्रिपेरिंग फॉर दी बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑल्स टली यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज ये आई बी पी एस क्लैरिकल एग्जामिनेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एक ही क्लासेस की हुई है ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है रिलेटेड टू आर आर बी पी यू एंड क्लैरिकल ऑलरेडी रनिंग बैचेस है प्रलिम्स का सेपरेट कोर्स आपको दोनों एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा सेपरेट कोर्स और प्री एंड मेन वो भी आपको अलग अलग मिल जाएगा सो अकॉर्डिंग टू ए नीड रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आपको चाहिए यू कैन गो फॉर ऑल दीज कोर्सेज ठीक है तो ये वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल एज अ होमवर्क दिया था लास्ट टाइम विजिबल है अब बॉक्स जी चलिए कंटिन्यू तो ये आपने ऑलरेडी एज अ होमवर्क दिया था कर ही लिया होगा तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखिए एबीसीडी ई एफ एच e, टोटल एट बॉक्सेस हैं आठ अलग अलग बॉक्सेस एक ऊपर एक प्लेस है हर बॉक्स के अंदर डिफरेंट ईटेबल है राइट एक आइटम है आइसक्रीम है बिस्किट है कैंडीज पेस्ट्रीज एंड सोन देर ओनली थ्री बॉक्सेज बिलो एफ विच कंटेन्स बिस्किट तो देखिए यहाँ पे कंफर्म चीज़ इसने दे दी है राइट ये आपको क्या बोल रहा है कि देर आर ओनली थ्री केवल तीन बॉक्सेज हैं बिलो एफ एफ के अंदर रखे हैं बिस्किट तो डेफिनेटली मैं इसी कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ कर सकता हूँ क्या करना ही है बिकॉज ये आपको कंफर्म चीज़ें बता रहा है तो अगर मैं नंबरिंग दे दूँ टोटल आठ बॉक्सेज हैं आठ बॉक्सेज की नंबरिंग अगर मैं दे दूँ तो इट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट वन टू थ्री एफ यहां पे आ जाएगा एफ की कंडीशन क्या है केवल तीन बॉक्सेस आर बिलो एफ विच कंटेन्स बिस्किट सो डेफिनेटली एफ का आपको फूड uh, आइटम भी पता है क्या है बिस्किट से ठीक है आगे देखते केवल एक बॉक्स है बिटवीन एफ एंड एच एंड एच uh, के जस्ट नीचे वाला कोक ठीक है वन बॉक्स बिटवीन एफ एंड एच इसको प्लेस कर देते हैं ये एफ है तो एच यहाँ पे आ सकता है ये एफ बिस्किट है तो ये एच आ सकता है एफ और एच के बीच में एक बॉक्स रखा गया है एच से रिलेटेड अगली ही कंडीशन में गिवन है ये द बॉक्स कैप्ड इमीडिएटली बिलो एच कंटेन्स कोक एच के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्या है कोक है तो ये कोक हो जाएगा यहाँ पे ये कोक हो जाएगा ठीक है एच के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्या है कोक है आगे देखिए टॉप वाले में क्या है आइसक्रीम बॉटम वाले में कोक अच्छा एक कोक की कंफर्म इंफॉर्मेशन दे दी कि कोक वाला तो बॉटम पे तो ये कंडीशन गलत है टॉप वाले पे क्या है वो भी आपको दे दी द बॉक्स दॉक्स टॉप इज आइसक्रीम तो ये आपका आइसक्रीम हो जाएगा ठीक है आगे देखिए वेफर्स बिलो बिस्किट अब जूस वेफर्स वाला जो बॉक्स है जिस भी बॉक्स में वेफर्स रखे गए हैं राइट इस कैप्ड बिलो बिस्किट बिस्किट के नीचे है राइट बिलो बिस्किट्स बट अब जूस लेकिन जो जूस वाला बॉक्स है उसके ऊपर है तो बिस्किट्स तो ऑलरेडी यहां पर है ही तो बिस्किट के नीचे वेफर और जूस एज इट इज आ जाएगा ये हो जाएंगे वेफर्स ये हो जाएगा बॉक्स जिसमें जूस रखा हुआ है ठीक है बॉक्स ई के अंदर कैंडीज रखी हुई है इमीडिएटली बिलो चॉकलेट एंड इमीडिएटली अब पेस्ट्रीज राइट ई की कंडीशन देखिए बॉक्स ई की कंफर्म डिटेल गिवन है कि बॉक्स ई विच कंटेन्स कैंडीज ठीक है ई बॉक्स में क्या है कैंडीज है स्केप्ड इमीडिएट बिलो चॉकलेट चॉकलेट वाले बॉक्स के इमीडिएट नीचे एंड इमीडिएट अब पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज के एकदम ऊपर तो जाहिर सी बात है चॉकलेट कैंडीज और पेस्ट्रीज ये तीनों एक साथ लिखने तीनों में से कुछ भी अभी तक लिखा नहीं है तो वो तीनों यहीं पे आ जाएंगे सेम ऑर्डर में दिस विल बी चॉकलेट्स ये हो जाएगा आपका कैंडीज एंड ये आपके पेस्ट्रीज और ई e आपका यहाँ पे हो जाएगा ई e के सामने क्या था कैंडीज अच्छा ई e यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ई e को भी रख दिया आगे और कंडीशन देखते सी के अंदर क्या है चॉकलेट्स से तो डेफिनेटली सी यहाँ पे आ जाएगा सी से रिलेटेड कंफर्म चीज गिवन है कि बॉक्स सी में चॉकलेट है उसके बाद ए इज कैप्ड इज कैप्ड एट दोजीशन भी पता है कि टॉप पर है ठीक है ना तो जी ना तो डी इज कैप्ट एट बॉटम जी ओडी बॉटम पे नहीं है तो जी यहीं पे आ जाएंगे रिमेनिंग दो जगह पे एंड डी 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 इज 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 एट बॉटम अच्छा अबव अबव जी जी तो ये डी हो जाएगा ये जी दोनों बॉटम पे नहीं थे तो जो रिमेनिंग बॉक्स है कौन सा बी है वही बॉटम पे आ जाएगा ये आपका सॉल्यूशन हो गया और ये क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया था अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड के साथ हमने सॉल्व किया बिकॉज आई होप कि आप लोगों ने इसे घर पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी ठीक है मूविंग फॉरवर्ड अगला सेट देखते हैं इसको जरा ट्राई करिए तीस सेकेंड का टाइम ले लेते हैं लेट्स सी अगर यहां पे टाइमर है तो ठीक है कोई नहीं अप्रोक्सीमेट ले आइडिया ले लेते हैं तीस सेकेंड ट्राई करिए एक बार जितना भी आपसे सॉल्व हो सके उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं चलिए ट्राई करिए ठीक है इस क्वेश्चन में दे रहा टोटल एट बुक्स नाम आपको गिवन है ए बी सी डी पी क्यू आर एस रैक में रखा गया वन ऑफ the, तो तीन बुक्स बिटवीन ए एंड आर कंडीशन देख लें ये ए हो सकता ये है one, two, three, ये ये ए है आपका आर हो जाएगा या फिर ये आपका आर हो सकता है वन टू थ्री ये आपका ए हो जाएगा ठीक है पी जो बुक है जस्ट बिलो आर पी जो है जस्ट बिलो आर है तो इस केस में ये पी हो जाएगा इस केस में ये पी हो जाएगा जस्ट बिलो आर दो बुक हैं बिटवीन पी एंड एस दो बुक हैं है टोटल बुक्स छी रख दी है तो दो बिटवीन पी एंड एस है अगर मैं नीचे रखूंगा पी वन टू एस तीन और आ जाएंगी तो छीन नौ हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल तो पी वन टू एस यहाँ पे एस वहां पे रखी दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात यहाँ पे हो चुकी है छह यहाँ पे हो चुकी है तो मैंने आपको बताया था जब भी हम बॉक्स पजल बनाएंगे तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी बनाते हुए कभी भी जितनी टोटल बुक्स बुक्स है है उससे ज़्यादा नहीं निकल जाए ऑब्वियसली ठीक एज बिटवीन बी एंड डी एज आर एंड ए ठीक है तो जितने आर और ए के बीच में है देखिए यहाँ पे आर और ए के बीच में कितनी बुक्स हैं तीन है उतनी बी एंड डी के बीच में होंगी ओके बी इज अबव डी बी डी के ऊपर है C C immediately above D, C, immediately above above D, D and neither D or इमीडिएटली at lowest, lower most अब ठीक है एक काम करते हैं देखिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे टोटल सात है, आठ है एक की पॉसिबिलिटी और होगी काम करते हैं एक और केस बना लेते हैं ये एस है ये आर हो जाएगा ये पी हो जाएगा ये ए हो जाएगा एक अच्छा लिखा हुआ है कि नाइदर डी नॉर ए लोअर मोस्ट डी और ए लोअर मोस्ट पे नहीं तो इसकी डेफिनेटली इसकी तो एक ही केस बनता था ए को लोअर मोस्ट नहीं रखना है तो ये आठवा बॉक्स लगा देंगे यहाँ पे आठ बॉक्सेस पूरे हैं यहाँ पे ठीक है अब इसी में वो कंडि... अब ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हो गया आठ बॉक्सेस का जो भी कंडीशन है अब इसके अंदर ही हमें प्लेस करनी है अब हम इसको देख लेते हैं एक बार जितने आ, बी और डी के बीच में आर एंड ए आर और ए के बीच में कितने है? तीन तो कौन से बॉक्स थे बी एंड डी बी और डी के बीच में तीन होंगे बी इज अबव डी तो ये बी हो जाएगा वन टू थ्री डी हो जाएगा सी इमीजिएटली अब डी ये सी हो जाएगा ऐसा एज इट इज अरेंजमेंट बनाना है तो क्या हम बना सकते हैं देखिए सी और डी को हम यहां रख देंगे डी यहां पर है वन टू थ्री यहां पर बी आ जाएगा हो गया बचता कौन सा है ए बी सी रख दिया डी भी रख दिया पी क्यू आर एस तो हो गया पी क्यू क्यू रहता है ये क्यू हो जाएगा यही आपका अरेंजमेंट हो गया सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है बाकी केस को चेक करने की अब जरूरत नहीं है करेंगे भी तो डेफिनेटली गलत ही होने बिकॉज ऑलरेडी सही जो आंसर है वो आपके सामने है

ना तो डी ना तो लोअर मोस्ट है तो लोअर मोस्ट आपका क्यू आ गया सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है इसका मतलब बस यही सही है आगे आप सॉल्व करेंगे भी तो गलत हो जाएगा ठीक है आई होप क्वेश्चन क्लियर है आगे देखें चलिए ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है डेफिनेटली देखिए कुछ बॉक्सेस हैं अलग-अलग उनमें आइटम्स हैं स्टैक्ड ओवर वन ओवर अनदर एक के ऊपर एक प्लेस्ड है फोर बॉक्सेस बिटवीन वॉच एंड परफ्यूम देयर इज वन बॉक्स बिटवीन वॉच एंड मोबाइल ठीक है टू बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक पावर बैंक इज अबव ब्लूटूथ थ्री बॉक्सेस पेन ड्राइव एंड बॉक्स हैविंग डोंगल ब्लूटूथ इज इमीडिएटली बिलो डोंगल हेडफोन इज प्लेस इमिजिएटली अब परफ्यूम रिलेटेड एक अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कि जिस भी में है so, वाला आप एकदम टॉप पे रख देंगे परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी एक कंडीशन गिवन है बिल्कुल गिवन है जैसे आपने परफ्यूम को प्लेस किया परफ्यूम की कंडीशन हमें पता है कि सबसे ऊपर है टॉप पे तो परफ्यूम को रखते ही परफ्यूम को पिक करना है फोर बॉक्सेस बिटवीन वॉच एंड परफ्यूम ये लीजिए कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इसी इस तरीके से हमें ढूंढनी है ठीक है एक बार कोई भी कंडीशन आप प्लेस करते हैं उससे संबंधित उससे रिलेटेड और क्या क्या कंडीशन गिवन है यही ढूंढ के प्लेस करना या पॉसिबिलिटी में प्लेस करना यही काम होता है किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट और किसी भी पजल को सॉल्व करने का ठीक है थीके? तो यहीं से स्टार्ट कर दें चेंज कर दें स्लाइड थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट आई होप विजिबल है लास्ट लाइन पेन ड्राइव है वो थोड़ी सी हाइड हो रही है ठीक है हैविंग पेन ड्राइव ये पेन ड्राइव लिखा हुआ है चलिए तो सम हैं आपको नहीं पता कितने हैं लेकिन मुझे ये ये चीज़ ज़रूर पता है कि बॉक्स परफ्यूम 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 एट टॉप ऑफ़ तो डेफिनेटली पे ये हो जाएगा से से रिलेटेड कंडीशन ऊपर मैंने पिक करी थी। क्या? आगे बना लेते हैं ड्रॉ कर देंगे िटीज ठीक है तो वॉच था वॉच चार बॉक्सेस हो गए वन बॉक्स बिटवीन वॉच एंड मोबाइल मोबाइल फोन बॉक्स और वॉच के बीच में वन बॉक्स है है तो ये है। ये वॉच मोबाइल हो जाएगा मोबाइल से रिलेटेड और कुछ गिवन है नहीं गिवन है तो मोबाइल की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ये वॉच है ये, ये मोबाइल हो जाएगा ये तो परफ्यूम है ही ठीक है उसके बाद है दो बॉक्स है बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक पावर बैंक इज अब ब्लूटूथ थ्री बिटवीन पेनड्राइव डोंगल ब्लूटूथ इमीजिएटली बिलो डोंगल हेडफोन हेडफोन इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो मोबाइल हेडफोन को रख दें क्योंकि मोबाइल रख दिया हेडफोन है। वाला हेडफोन इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो मोबाइल फोन मोबाइल के जस्ट नीचे हेडफोन तो यहाँ पे हेडफोन आ जाएगा ठीक है हेडफोन वाली कंडीशन ऊपर कुछ आई थी हेडफोन 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 आई थी दो बॉक्सेस बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक हेडफोन एंड पावर बैंक हेडफोन एंड पावर बैंक देखिए ये हेडफोन यहां पे दिख रहा है देर आर टू बॉक्सेस बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक ये हेडफोन है वन टू पावर बैंक ऊपर तो जा नहीं सकता नीचे हेडफोन वन टू ये हो गया पावर बैंक इस केस में हेडफोन वन टू पावर बैंक नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं ये परफ्यूम है ये मोबाइल ये हेडफोन ये वॉच ठीक है तो कंडीशन थी दो बॉक्सेस हैं बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक हेडफोन यहां पर है वन टू ये हो जाएगा पावर बैंक हेडफोन यहां पर है वन टू ये हो जाएगा पावर बैंक ठीक है ये भी हो गया पावर बैंक इज अब ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ तो अभी प्लेस किया नहीं पावर बैंक लिख लेते हैं शॉर्ट में लिख रहे हैं पावर बैंक इज अब ब्लूटूथ थ्री बॉक्सेस बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल थ्री बॉक्सेस बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल ब्लूटूथ इज इमीजिएटली बिलो डोंगल ब्लूटूथ इमीजिएटली बिलो डोंगल है यह ब्लूटूथ है यहाँ पे डोंगल आ जाएगा इमीडिएटली बिलो डोंगल मोबाइल फोन इमीडिएटली बिलो पेन ड्राइव मोबाइल फोन लिखा था हमने लिखा था ये रहा मोबाइल फोन इमीडिएटली बिलो पेन ड्राइव मोबाइल फोन तो ये पेन ड्राइव आ गया ये पेन ड्राइव आ गया ये पेन ड्राइव आ गया आप पेन ड्राइव को हम यूज कर सकते हैं कंडीशन थी थ्री बॉक्सेस बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल तीन बॉक्सेस बॉक्स बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल ये ड्राइव है वन टू थ्री ये डोंगल हो जाएगा बट डोंगल के जस्ट नीचे ब्लूटूथ है गलत है थ्री बिटवीन मोबाइल एंड डोंगल वन टू थ्री ये डोंगल हो जाएगा कितने थे थ्री बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल ये ड्राइव है वन टू थ्री डोंगल पेन ड्राइव वन टू थ्री अच्छा ये डोंगल हो जाएगा ठीक पेन ड्राइव यहां पर है वन टू थ्री डोंगल बट डोंगल के जस्ट नीचे ब्लूटूथ है वो तो हो नहीं सकता तो मोबाइल है one, two, three, ये डोंगल हो जाएगा। इस केस में मोबाइल वन टू थ्री सॉरी मोबाइल या पेन ड्राइव पेन ड्राइव एंड डोंगल है पेन ड्राइव एंड डोंगल है, है। दोबारा देखते हैं। तो ड्राइव यहां पर है वन टू थ्री डोंगल नहीं होगा पेन ड्राइव यहां पर है वन टू थ्री ये डोंगल हो जाएगा इधर देखते हैं ड्राइव वन टू थ्री डोंगल डोंगल के जस्ट नीचे ब्लूटूथ ठीक है अब ब्लूटूथ से रिलेटेड एक चीज थी कि पी और बी पावर बैंक इज अबव ब्लूटूथ पावर बैंक यहां पर है इज अबव ब्लूटूथ यहां पर पावर बैंक नीचे आ गया है ब्लूटूथ कहा है ऊपर है डोंगल के नीचे था ब्लूटूथ तो ये वाली कंडीशन अब आपकी गलत हो गई ठीक है और ब्लूटूथ इज इमीजिएटली बिलो डोंगल ये वाला बॉक्स आपका हो ही गया तो बस यही सारी चीजें देख लेते हैं दोबारा से फोर बॉक्सेस बिटवीन वॉच एंड परफ्यूम तो ये वॉच था वन टू थ्री फोर परफ्यूम हो गया परफ्यूम सबसे ऊपर था ये हमें पता ही था ठीक है और वन बॉक्स बिटवीन मोबाइल एंड वॉच वॉच यहां पर है मोबाइल हमने ऊपर रख दी थी दोनों केस देख लिए थे हमने दो बॉक्सेस बिटवीन हेडफोन एंड पावर बैंक पावर बैंक वन टू हेडफोन ये भी हो गया थ्री बॉक्सेस बिटवीन पेन ड्राइव एंड डोंगल पेन ड्राइव यहां डोंगल हो गया ब्लूटूथ इमीजिएटली बिलो डोंगल ये हो गया हेडफोन इज इमीजिएटली बिलो मोबाइल ये भी हो गया परफ्यूम इज एट दी टॉप हो गया मोबाइल फोन स्टैक इमीजिएटली बिलो पेन ड्राइव तो ड्राइव के जस्ट नीचे मोबाइल फोन ये आपका सही अरेंजमेंट है सारी कंडीशंस ठीक है तो टोटल बॉक्सेस आप तो आपका यही बन जाएगा कि ये जो गिवन अरेंजमेंट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने तो हमने करेक्ट अरेंजमेंट भी फाइंड कर लिया और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज अब हम आसानी से काउंट करके बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने ठीक है चलिए एक ये क्वेश्चन है इस बार आज का क्वेश्चन ये हम एज अ होमवर्क देते हैं इसको आप जरूर सॉल्व करना ठीक है सात ऐप हैं अलग अलग रिलेटेड टू अलग अलग डेज हैं जब वो ऑपरेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर ठीक है सात है सात दिन है मंडे मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसी ऑर्डर में हम डेज को फिक्स कर देंगे फिर आगे जो भी ये ऐप्स हैं कब कब कैसे कैसे क्या यूज है उनका उनको भी हम प्लेस कर देंगे ठीक है तो सेशन को वाइंड अप कर दें थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग ये आपका नबार्ड ग्रेड ए का कोर्स है सारे सब्जेक्ट्स आपके डिटेल में अच्छे से कवर होंगे कोड जो आपको यूज करना है दैट इज वाई फाइव थ्री सेवन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि है सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट बत्तीस सौ बीस रुपए में ये आपको अवेलेबल होगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट फिर से वही चीज रिलेटेड टू आई बी पी एस क्लरिकल कली बैच हमारे स्टार्ट हुए हैं आई वी पी ये हम ऑलरेडी रनिंग बैचेज हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एम के हिसाब से टारगेट के हिसाब से बैचेज में इनरोल करवा सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में हैव अ वंडरफुल इवनिंग टेक केयर एंड गुड बाय